मौत समाज सेठ से परंपरा से ये सेवा करते आ रहे हैं। ये पालीवाल हरगोविंद जी ने ये दो चार जने हैं जो मनमानी कर रहे हैं सर। माता जी के वहाँ वो चैनल लगा दी उन्होंने, तो उससे और बाहर से भी दर्शन नहीं होते हैं। पूरी दादागिरी के हिसाब से उन्होंने धक्का दुम करके इनको बाहर निकाल दिया। आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो रही है, दो चार दिन भी देखा होगा। मन मस्जिद से सेवा करने लगे और आए दिन यात्री प्रसन्न हो रहे हैं, समाज प्रसन्न हो रही है और इनके मन मस्जिद से कर रहे हैं सारे काम ये। और जो भोपाल जी को रख रखा है वो भी तनख्वाह पे रख रखा है। इन दिनों राजसमंद में काकरौली बस स्टैंड स्थित राठासन माता जी से जुड़ी हुई अलग अलग तमाम तरह की खबरें निकल कर आती है। उस बीच आज कुमावत समाज उस मंदिर से जुड़े हुए कुछ मुख्य मुद्दों पर एक ज्ञापन जिला प्रशासन के समक्ष रखने आया है। क्या कुछ पूरा मामला है जिसको लेकर आज ज्ञापन दिया जा रहा है कुमावत समाज के द्वारा? क्या क्या 150-200 साल पूर्व हमारे कुमावत समाज पुजारी थे, पूजा करते आ रहे थे, लेकिन पूजा करते आ ही रहे थे, लेकिन जिनके राम जी भोपा जी के शांत होने के बाद में इन्होंने मनमानी कर दी तो इनकी षड्यंत्र रचने लगे है। तो हमारे फिर बाद में जाना बंद कर दिया, फिर बाद में समझौता भी किया उनसे कि भाई अपने कुछ भी करके अपने वापस समझौता करके शांति से शांतिपूर्वक अपने काम चलाएं, लेकिन उन्होंने बोल दिया भाई दूसरे गांव का पुजारी ला के बैठा दिया कि आपका तो कोई लेना देना नहीं है, उनके षड्यंत्र के हिसाब से हमारे को बाहर कर दिया। तो छः सात साल से हम सेवा कर ही नहीं रहे, तो उसके बाद में ये जन सेवक परेशान होने लगे, हम सेवा में जा नहीं रहे वहाँ, तो अब परेशानी आ रही है ग्रामवासी को, तो मनमानी करे। और वो मनमानी कौन कर रहा है? वो हरगोविंद जी पालीवाल। अच्छा। और बोल रहे हैं कि हमारा निजी मंदिर है। अच्छा। तो पूरी दादागिरी के हिसाब से उन्होंने ताला भी लगा दिया। और हमारा आज क्या स्थिति है? हमारा तो आज ही स्थिति है, लड़ाचंद माता जी ताला लगा दिया, मंदिर बंद है। आज जो स्थिति बन रही है राठासन माता मंदिर के यहाँ, आए दिन श्रद्धालुओं के साथ मारपीट हो रही है, दो चार दिन भी देखा होगा। पूर्व में कितनी बार मतलब पूजा अर्चना होती है, वो आते होते ही सेवा पूजा अर्चना चालू होती है, ये धार्मिक आयोजन हो ही नहीं सकता। और कुमावत समाज धार्मिक आयोजन करना और सभी मतलब अनुष्ठान निपटाना कुमावत समाज करता रहा है, और भोपाल जी का कार्य भी पिछले 150-200 वर्ष से करता आ रहा है, लेकिन उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक यह एक कमेटी, फर्जी कमेटी बना रखी है 7-8 जनों की, जिसमें सभी एक ही समाज के हैं, वो उनका संचालन कर रहे हैं, और जो भोपाल जी को रख रखा है वो भी तनख्वाह पे रख रखा है। और इस तरह से मेरा मानना है और मेरा हमारे सर समाज से आज हम यही मतलब कलेक्टर से आए हैं कि हमारे जो हम सेवा कार्य करते हैं कुमाऊँ समाज और सर समाज के धार्मिक अनुष्ठान बराबर हो, वही हम चाहते हैं। ये पूरा मामला निकल कर आ रहा है। एक बुजुर्ग है, आप इधर आओ। कई नाम है आप लोग? मेरा नाम सुंदर। कई गेणो छे रहो? मां के वहां 10,000 में पुजारी राख्यो थे, ओटे के भोपा जी के ओटे तनका पे राख राख्यो के परंपरा से सेवा करते आ रहे हैं। ये पालीवाल हरगोविंद जी ने ये दो चार जने हैं जो मनमानी कर रहे हैं सर। यात्री को भी परेशानी होती है, कूटमार करते हैं ये सर। क्या इसके विरोध में ज्ञापन दिया जाता है? हाँ, इसके वजह ज्ञापन देने आए हैं सर। ये देखा आपने, ये जो अलग अलग लोग निकल कर आ रहे हैं, और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल तेली है, पंचोली। मैं बस स्टैंड नया बाजार काकरौली रहता हूँ, और ये कुमाऊँ समाज सेवा करते आए। पहले चेनाबा करते थे, उसके बाद में रामबा को मैं देख रहा हूँ। मेरी उम्र हो गई 60 साल, जब से मैं इनको सेवा करते हुए देख रहा हूँ। उसके बाद में कालूबा ने की, कालूबा के बाद में शंकरलाल जी ने की, और फिर इनके क्या मालूम क्या हुआ, जो इन हरगोविंद जी ने धक्का दुम करके इनको बाहर निकाल दिया। क्या हरगोविंद जी ने इनको छोटा देख के बाहर निकाल दिया था, और बाद में इसके बाद में सेवा नहीं करने दी, और न सेवा हो रही है और न हमारा उत्सव होता है वहाँ नवरात्रि का, वो भी नहीं हो रहा है, और न खेल कूद हो रहा है। वहाँ पर खेल होता था हमारे वहाँ, बड़ा मजबा लगता था, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे, और ये दिन में मंदिर बंद कर देते हैं, शाम को 7 बजे मंदिर बंद कर देते हैं, 8 बजे कोई यात्री या जात्रु आते हैं वो धोख लगने के लिए, वो उनकी कोई पुकार होती नहीं है। और माता जी के वहाँ वो चैनल लगा दी उन्होंने, तो उससे और बाहर से भी दर्शन नहीं होते हैं। मेरा नाम गोपीलाल रेगर साहब। क्या क्या मामला है सर? मैं जब से बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरी देखते हुए मैं भी सर 55 साल होने आया हूँ, जब से सेवा कुमाऊँ समाज करती आ रही, कुमाऊँ समाज कर रही थी, अब इन्होंने सर इनकी मन मस्जिद से सेवा करने लग गए, और आए दिन सर यात्री प्रसन्न हो रहे हैं, समाज प्रसन्न हो रही है, और इनकी मन मस्जिद से कर रहे हैं सारे काम ये।
कुल मिला के इनको हटाया जाए यहाँ से, ताकि सब यात्री जो है व्यवस्थित दर्शन करें। माता रानी का स्थान है और ये सार्वजनिक है, किसी की निजी नहीं है। और ये पालीवाल मंडल वाले और पालीवालों ने इस पे कब्जा कर लिया और आए दिन यात्रियों से गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अभी वीडियो चल रहा था मारपीट का, डेढ़ दो महीने से दो बार उसको मारपीट कर दी उसके साथ में। उधर ने बैठे उधर सामने भवन कर। हाँ हाँ, तो उन ये इनको हटाया जाए और इसको सार्वजनिक किया जाए, मंदिर को इनको वहाँ से हटाया जाए। अलग अलग विषय निकल कर आए हैं जिसमें कि राठासन माता जी की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई एक नाराजगी कुमाऊं समाज में देखी जा रही है और बड़े स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हमने इस पूरे विषय में प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे आग्रह किया है कि जो पूर्ववत व्यवस्थाएँ बनी हुई थी उन व्यवस्थाओं को देखा जाए और वहाँ पर सेवा और तमाम पूजा के क्रम लगातार बड़े ही सुचारू रूप से चलते रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।